आज हम रातानाडा थाना अधिकारी लीलाराम और उनकी टीम का निलंबन रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय राजस्थान के जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनके सभी छात्र पूर्व छात्र हर कलेक्ट्रेट पे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि उनको वापस बहाल किया जाए और अपराधी जिसका एनकाउंटर हुआ है ऐसे अपराधी से अगर इनका निलंबन रद्द नहीं हुआ तो अपराधियों के और भाव बढ़ेंगे और थाने अधिकारी या थाने के जो भी कर्मी हैं उनको काम करने में दिक्कत आएगी। यही हम उन्होंने लवली कंडारा हत्याकांड में उनको निलंबित किया हुआ है। लवली कंडारा जो अभी एनकाउंटर हुआ था उस एनकाउंटर में उनको निलंबित किया हुआ है। जिसके लिए उन्हें निलंबित किया है वो एक हिस्ट्री सीटर था। सरकार अगर इस तरीके से इनको निलंबित करेगी तो आने वाली देश की जनता को क्या संदेश जाएगा कि हिस्ट्री सीटर के हौसले बुलंद होंगे और कभी भी देश में ऐसे कोई भी सच्चे पुलिस ऑफिसर जो कि पैदा होने हैं वो जो है धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। सरकार से हम अपील करेंगे कि सरकार ऐसे पुलिस कर्मियों को और प्रोत्साहन देकर उन्हें अपना हौसला अफजाई करे, ना कि उन्हें निलंबित कर ऐसे युवाओं को भ्रमित करे कि पुलिस की बजाय वो हिस्ट्री सीटर बन जाए। ये मैसेज कहीं ना कहीं लोगों को पुलिस के प्रति अपना रुझान कम करके हिस्ट्री सीटरों के प्रति अपना रुझान बढ़ाने का मैसेज देता है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाए जिससे लोगों में पुलिस के प्रति भावना और स्नेह आगे बढ़े और हिस्ट्री सीटर के लिए जो उन्होंने कदम उठाया है वो सही उठाया है। सरकार लीलाराम जी को बहाल करावे।